नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हरदोई में 23 जनवरी 2022 को शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान तहसील संडीला के भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद करने का आरोप लगाया। परीक्षा केंद्र पर मौजूद पुलिस बल ने मामला शांत कराया। परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक मिथिलेश कुमार ने निर्धारित समय से गेट बंद करने की सफाई पेश की और कहा कि निर्धारित समय 9:30 पर गेट बंद किया गया है। इसी क्रम में नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के गेट बंद होने के कारण गिड़गिड़ाते रहे। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा की दूसरी पाली में नगर के श्री बेनी माधव विद्यापीठ इंटर कॉलेज पर भी आए परीक्षार्थियों ने परीक्षा के निर्धारित समय 2 से मात्र 3 लेट होने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश न देने जाने से परीक्षार्थियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। परीक्षार्थी लेट होने का कारण नगर की यातायात व्यवस्था को बता रहे थे। भारतीय रोटी बैंक परिवार के ऑफिशियल नंबर पर कॉल आई। भारतीय रोटी बैंक परिवार के संस्थापक अरुणेश पाठक, प्रदेश संयोजक मधुरेश तिवारी, जिला संयोजक अवनिंद्र पाल तुरंत श्री बेनी माधव परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर प्रशासन से लड़ झगड़ कर 50 परीक्षार्थियों को समय 2:30 पर प्रवेश दिलवाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।